हेलो व्यूअर्स, मैं हूं विभूति ओझा। तो आज के इस वीडियो में हम एक स्पून बनाना सीखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं शेल्फ में से एक स्फेयर ले लेता हूं और किसी एक व्यू पॉइंट में आ जाता हूं। यहां से फ्रंट व्यू पॉइंट पे आकर इसको थोड़ा सा ऊपर अलाइन कर लेते हैं और उसके बाद राइट क्लिक करना है और नीचे की से हाफ से ज़्यादा फेसेस को डिलीट कर देना है। तो ये मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। उसके बाद राइट क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे और ऑब्जेक्ट मोड में जब आएंगे तो देखिए इसका पाइवट पॉइंट किधर ऊपर चला गया है। तो इसका पाइवट पॉइंट रीसेट करने के लिए एक तो आप शेल्फ में भी ऑप्शन है, यहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो आप सेलेक्ट में जा करके मॉडिफाई में जा करके सेंटर पाइवट कर दीजिए, हो गया। ठीक है, उसके बाद मैं प्रोस्पेक्टिव में आता हूँ और ये पूरा कंप्लीट सर्कल है तो इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा स्केल कर लूँगा। तो आर प्रेस करेंगे और इसको थोड़ा इतना स्केल कर लेते हैं, ठीक है, और इसको थोड़ा सा ऊपर से भी स्केल कर लेते हैं इतना, ठीक है। और इसका जो नॉर्मल है उसको मैं फ्लिप कर देता हूँ। इसको सेलेक्ट करेंगे और डिफॉर्म में आएंगे, मैश डिस्प्ले आएंगे और रिवर्स कर देंगे, ठीक है। तो जो वो नॉर्मल है वो रिवर्स हो चुका है। अब राइट क्लिक करेंगे, एज मोड में आएंगे और मिडिल के दो एज ये और शिफ्ट होल्ड करके ये एज को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद कंट्रोल ई एक्सट्रूड और आगे की तरफ बस एक्सट्रूड कर देना है, ठीक है। इसको आगे की तरफ एक्सट्रूड कर देंगे और उसके बाद इसको थोड़ा सा पीछे से स्केल कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर भी कुछ सेगमेंट्स डाल करके इसको आगे से थोड़ा नैरो कर देना है। तो एक मैं यहाँ एज डाल दे रहा हूँ और इसको फिर कंट्रोल बी बेवल सेगमेंट को इंक्रीज कर देंगे, सेगमेंट को एक सेगमेंट को इंक्रीज कर देते हैं, इतना काफ़ी है। और फ्रैक्शन को थोड़ा बढ़ा देते हैं, सॉरी फ्रैक्शन को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। और अब इसको थोड़ा सा स्केल डाउन कर लेंगे। तो मैं टॉप व्यू पोर्ट में आ जाता हूँ, एफ से फोकस कर लेते हैं, राइट क्लिक वर्टेक्स, इन दोनों वर्टेक्स को पकड़ेंगे और आर से स्केल डाउन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको थोड़ा सा स्केल डाउन कर लेंगे, थोड़ा सा इसको और स्केल डाउन करेंगे, थोड़ा सा अच्छा लुक देने के लिए मैं इसको थोड़ा सा और कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद इस पे थोड़ा सा अगर आप डिज़ाइन देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा पीछे ले लेता हूँ और अब मैं अगर थ्री प्रेस करूं तो देखिए इस तरह का इफेक्ट आ रहा है। इसको थोड़ा सा और पीछे ले लेते हैं, ये देखिए जो स्पून है वो हमारा बन गया है। थोड़ा सा इसमें इफेक्ट लाने के लिए मैं क्या करूंगा कि इसको मैं आगे की तरफ ले लेता हूँ, एफ से फोकस करेंगे से फोकस करेंगे, देखिए अंदर की तरफ चला गया है। तो मैं साइड व्यू पोर्ट में आता हूँ और इसको बाहर ले लेना है, ठीक है। तो इसको इतना मैं बाहर ले लिया, ओके। इसको नीचे लेना होगा, तो मैं थ्री प्रेस करूँ, ठीक है। उसके बाद राइट क्लिक करेंगे, फेस मोड में आएंगे, इसको 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 यहाँ तक मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ या इसको भी शिफ्ट सेलेक्ट करके सेलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल ई से एक्सट्रूड और ऑफसेट को इंक्रीज़ कर लेते हैं। उसके बाद थोड़ा सा एक्सट्रूड भी कर लेते हैं, को थोड़ा सा एक्सट्रूड करके इसके ऑफसेट को थोड़ा सा अंदर की तरफ ले लेते हैं, थिकनेस को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है।
और अब अगर मैं थ्री प्रेस करूँ तो देखिए स्पून का जो शेप होता है, आपके यहाँ जो स्पून होगा उसमें भी इस तरह का कुछ शेप होगा, वो आ गया है। अब इसमें देखिए इस स्पून में थिकनेस नहीं है, ठीक है, तो इस स्पून में थिकनेस ऐड करने के लिए, और अगर मैं इसको व्यू पोर्ट में आऊँ तो इसको मैं फोर प्रेस करता हूँ और इसको थोड़ा सा पीछे ले लेते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे की तरफ ले लेते हैं और उसके बाद थ्री प्रेस करते हैं, ठीक है, ठीक है। और अभी मैं इसमें थिकनेस ऐड करूँगा, तो थिकनेस ऐड करने के लिए क्या करना होगा, कंट्रोल ई एक्सट्रूड और हल्का सा इसको, हल्का सा इसको एक्सट्रूड करना है, ज़्यादा नहीं इतना, ठीक है। देखिए इसमें थिकनेस भी आ गया और स्पून बन करके भी रेडी हो चुका है हमारा। इसको मैं व्यूपोर्ट में आता हूँ और साइड व्यूपोर्ट में आता हूँ या फ्रंट व्यूपोर्ट में ही आता हूँ और इसको इस तरीके से या इस तरीके से कर देता हूँ, ठीक है। एक प्लेन ले लेते हैं, ग्रिड को ऑफ कर लेते हैं, तो देखिए स्पून हमारा बन करके रेडी हो चुका है। अब इसमें हमें मटेरियल डालना है, बिल्कुल रियलिस्टिक स्पून की तरह लगना चाहिए, स्टील का मटेरियल। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, सबसे पहले तो हिस्ट्री डिलीट कीजिए, एडिट में जाइए और डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद राइट क्लिक करेंगे और असाइन फेवरेट मटेरियल में AI स्टैंडर्ड सर्फेस ले लेंगे, AI स्टैंडर्ड सर्फेस 1 में जाएंगे और उसके बाद सबसे पहले तो यहाँ पर जो मेटलनेस है, मेटलनेस की वैल्यू को बढ़ा देना है, उसके बाद आप इसको फुल कर दीजिए और कलर की वैल्यू को इतना कर दीजिए। एक लाइट भी ऐड करना होगा, बिना लाइट के रेंडर दिखेगा नहीं। तो अर्नोल्ड में जाते हैं, लाइट में जाते हैं और एक स्काईडोम ले लेते हैं, ठीक है। स्काईडोम का इंटेंसिटी सही है और अगर मैं अब रेंडर करूँ दिख तो रहा है बट वो स्टील का इफेक्ट नहीं आ रहा है। रीज़न ये है कि इसमें कोई HDRI नहीं लगा हुआ है, हमें इसमें स्टील का इफेक्ट लाने के लिए एक HDRI लगाना पड़ेगा। तो HDRI लगाने के लिए क्या करेंगे, जो स्काईडोम लाइट है उसको सेलेक्ट करेंगे, कलर में जाएंगे और कलर में जाने के बाद यहाँ फाइल में जाएंगे और मेरे पास एक HDRI लाइटिंग है, मैं उसको यूज़ करता हूँ, HDRI ये यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और अब इसको मैं जब मैं इसको जूम करता हूँ, राइट क्लिक रेंडर, और देखिए बिल्कुल स्टील की तरह आ गया है। इसको मैं थोड़ा एंगल चेंज करके दिखाता हूँ आपको, तो स्पून बन करके रेडी हो चुका है। आशा करता हूँ कि आपको आज के इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपका किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू और आप सभी को हैप्पी दीपावली।